विधानसभा उम्मीदवारों की सूची जारी होने से पहले ही सत्ताधारी पार्टी बीजेपी में विरोध के स्वर फूटने लगे हैं। गोहाना सीट से पूर्व सांसद अरविंद शर्मा और रतिया विधानसभा से पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल का नाम चर्चाओं में आते ही खिलाफत हो गई। अभी तक बीजेपी के नेता ये बयान दे रहे थे कि कांग्रेस में भागदौड़ और विरोध होगा, लेकिन कांग्रेस से पहले भाजपा के नेता बगावत पर उतर आए हैं। मजबूत संगठन की पार्टी होने का दावा करने वाली बीजेपी जम्मू कश्मीर के लिए घोषित उम्मीदवारों की लिस्ट बदल चुकी है। हरियाणा में चुनाव की तैयारी में जुटी भाजपा के शीर्ष नेताओं के बयान अलग अलग होने से पार्टी के कार्यकर्ता असमंजस में हैं। करनाल रोड शो में सीएम नायब सैनी ने कहा कि वे करनाल से चुनाव लड़ेंगे, जबकि दो दिन पहले पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली ने बयान दिया था कि नायब सैनी लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। सीएम कहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं ये बताएं। सीएम साहब लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। लाडवा जा रहे हैं सर, आप लाडवा से चुनाव? किसने कहा? मोहन लाल बडोली ने कहा आज शाम को दिल्ली में। सर मेरे पास बाइट है सर, बोल दिया उन्होंने। नीचे कर लो ना सर, नीचे कर लो। मोहन लाल बडोली, हाँ जी, आपके प्रदेश अध्यक्ष ने। देखिए वो माननीय प्रदेश अध्यक्ष है, उसको जानकारी मेरे से ज्यादा है। ये दोनों बयान प्रदेश में चर्चा का विषय बन गए हैं। वहीं गोहाना में अरविंद शर्मा के पुतले फूके जाने और रतिया में विधायक और जिला अध्यक्ष द्वारा सुनीता दुग्गल के खिलाफ पत्र जारी होने से विरोध खुलकर सामने आ गया है। खैर अब देखने वाली बात यह होगी कि पार्टी जिन चेहरों पर दाव लगाएगी उनको कितना समर्थन और विरोध का सामना करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा आज।